इंटीग्रेशन है एक्स का पावर 4/3 dx। इसका क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन निकालना है। इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगा जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स का पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी हो जाता है। ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 4/3 + 1 ये क्या हो जाएगा 4/3 + 1 + c हो जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 + 1 को हम रफ में ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 + 1। इसका एलसीएम क्या होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ये हो जाएगा 7/3। ये हो जाएगा x का पावर 7/3, और यहाँ पे भी यही होगा 7/3 + c होगा। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 सबसे नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा 3/7 x का पावर 7/3 + c। ये इसका फाइनल आंसर हो गया।